की बालिकाएं उन बच्चों के लिए जो बच्चे स्कूल नहीं आते उनको लाने का काम, साथ ही साथ खुले में शौच से मुक्ति, बाल विवाह और शाला त्यागी पर इन बच्चों ने बहुत काम किया है। सबसे प्रभावी काम जो इन बच्चों के द्वारा किया जा रहा है वो है कि गांव के निरक्षर लोगों को इनके द्वारा साक्षर बनाने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है और 100 से अधिक निरक्षरों को अब तक हमारे मीना मंच द्वारा साक्षर बनाया जा चुका है। पढ़ी लिखी लड़की, रोशनी लड़की, सब पढ़े, सब पढ़े, घर घर विद्या दीप जलाओ, लड़की लड़का दीप जलाओ। निसंदेह मीना मंच का जो कार्यक्रम है उनके लिए एक बहुत ही बेहतर कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की वजह से ही उनके अंदर हौसला है, आत्मविश्वास है, इसकी वृद्धि हुई है। हमारी कोशिश यह है कि आज की तारीख में जो बच्चियां निकल के मीना मंच के माध्यम से आई हैं हमारे बीच में, जिनके अंदर नेतृत्व के गुण है, जिनके अंदर आत्मशक्ति है, इच्छा शक्ति है, वो बच्चियां हम चाहेंगे कि उन बच्चियों के माध्यम से अपने प्रसिद्ध प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उन बच्चियों को रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करके और इस कार्यक्रम में हम और आगे बढ़ें। अगर जिन लड़कियाँ नहीं पढ़ती हैं तो उनके लिए पढ़ाना चाहिए। जैसे कि अगर किसी के माँ बाप होते हैं वो कहते हैं अरे तुम पढ़ने का क्या होगा, तुम्हारे पढ़ के क्या होगा, काम करो अपना, पढ़ने चले जाओगे कुछ भी आएगा नहीं। तो हमें जैसे काम में नहीं पढ़ना चाहिए, अपनी पढ़ाई के बारे में आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम पढ़ेंगे तो किसी दिन ऊँची पोस्ट पर पहुँच जाएंगे। अभी हम पढ़ते और किसी दिन हम जाकर पढ़ाएंगे भी। बच्चे ऐसे परिवेश से निकल के आए हैं जहाँ पे शिक्षा कोई महत्व नहीं रखती इनके लिए। इनके घर वाले माँ बाप हैं वो सोचते हैं कि बच्चे को पढ़ाने से अच्छा है अगर हम घर में रह के काम कराएं तो हमें थोड़ी अर्निंग भी होगी। लेकिन जैसे जैसे कहते हैं ना, एक दूसरे से लहर निकलती है, शिक्षा की लहर फैली, गाँव वालों को हमने बुलाया, खुद सर्वे भी करने जाते हैं। हर साल हमारे मोटिवेशन कैंप लगते हैं ताकि शिक्षा के हम प्रचार प्रसार कर सकें। तो जब हम सर्वे करने गए, बहुत सी गांव की महिलाओं से मिले, पुरुषों से भी मिले, इनके मम्मी पापा से, उनके सामने हमने बताया कि बच्चों को, खास तौर से लड़कियों को पढ़ाना बहुत बहुत ज़रूरी है। लड़कों की तरह लड़की भी माँ के गोद में हंसती रोती है, Thank you.